राशन कार्ड की वेबसाइट पिछले कई दिनों से अपडेट की जा रही है और इसमें बेसिकली जो नया अपडेट निकल करके आया है वो ये है कि अब आप राशन कार्ड की वेबसाइट से किसी भी राशन कार्ड धारक का राशन कार्ड नंबर नहीं देख सकते, पूरा नंबर आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो चीज़ें आप देख सकते हैं वो हैं उनका नाम, पिता या पति का नाम, माता का नाम और साथ ही साथ उसमें कितने सदस्य हैं, सिर्फ ये गिनती आप देख सकते हैं और ये कब जारी किया गया इतना देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप राशन कार्ड नंबर पूरा देखना चाहें तो वो नहीं देख सकते। एक राशन कार्ड के अंदर कौन कौन लोग उसमें ऐड हैं या कितने लोगों के नाम हैं तो ये चीज़ आप नहीं देख सकते। गिनती तो आपको देखने को मिल जाएगी लेकिन उनके नाम आप नहीं देख सकते। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, इसका सलूशन आज इस वीडियो में मैं आपको लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि आप राशन कार्ड नंबर किस तरीके से निकालेंगे आधार कार्ड नंबर डाल करके, ठीक है, और बिल्कुल फ्री है, इसे कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल से ही कर सकता है और यहाँ पर मैं आपको मोबाइल में ही इसका तरीका भी बताऊँगा। आपको बस करना क्या है कि आप इस वेबसाइट को बिल्कुल भूल जाइए कि इस वेबसाइट से आप कुछ कर पाएंगे, इसको आप बिल्कुल छोड़ ही दीजिए। आपको जिस किसी भी व्यक्ति का राशन कार्ड नंबर निकालना है या उसके यूनिट के नाम पता करने हैं तो उसका आधार कार्ड आप अपने पास लीजिए और उसके बाद आप क्या कीजिए कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक मैंने लिंक दिया है अपने टेलीग्राम चैनल का, ठीक है, उसका नाम है नवीन CSC। उस टेलीग्राम चैनल पर आप जाइएगा, चैनल पर जाने के बाद आप जैसे ही ज्वाइन करके पहुंचेंगे तो आपको इस तरीके से एक एप्लीकेशन मिलेगा base.apk। ये मैंने एप्लीकेशन अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। इस एप्लीकेशन को आपको सिंपल सा अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। इस एप्लीकेशन में सबसे पहले तो आपको लैंग्वेज चुननी है, ऊपर की तरफ आप देखें हिंदी और इंग्लिश दो बातें लिखी हैं, जो भी लैंग्वेज आपको सही लगे वो लैंग्वेज आप यहाँ से चुन लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं जैसे कि पंजीकरण है, लाभ की जानकारी है और भी कई ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। आपको यहाँ पर क्या चेक करना है कि आपको आधार कार्ड नंबर डाल करके राशन कार्ड नंबर निकालना है तो आप इसमें जो दूसरा ऑप्शन है लाभ की जानकारी, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, लिखा है कृपया विकल्प चुनें, पहला है राशन कार्ड नंबर और दूसरा है आधार संख्या। तो जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि राशन कार्ड नंबर तो आपके पास है नहीं, तो जाहिर सी बात है कि आपको यहाँ पर आधार नंबर ही डालना होगा। आप यहाँ पर डाल दीजिएगा अपना आधार नंबर, जिस किसी भी व्यक्ति का आपको राशन कार्ड नंबर निकालना हो उसका आधार नंबर डाल करके आप सिंपल सा सबमिट पे क्लिक कर दीजिए और थोड़ा सा यहाँ पर आप वेट करिएगा। वेट करने के बाद आप देखेंगे कि इस तरीके से पूरा डिटेल खुल करके आ जाएगा, जिसमें राज्य का नाम, वो राशन कार्ड किस राज्य का है जिसमें जिसका आपने आधार नंबर एंटर किया है, उसके बाद उसके ज़िले का नाम, किस योजना के अंतर्गत उसका राशन कार्ड बना है, राशन कार्ड नंबर पूरा लेकर के आएगा और जो लाभार्थी है उसको राशन मिला है या नहीं मिला है, किस महीने का है, ये सभी चीज़ें यहाँ पर लिख करके आ जाएंगी। ये तो बात हुई कि आप राशन कार्ड नंबर सिर्फ किस तरीके से निकालेंगे, लेकिन अगर आपको ये पता करना हो कि आपके जो राशन कार्ड नंबर कोई है या कोई राशन कार्ड है तो उसमें कितने लाभार्थी हैं, उनके नाम क्या क्या हैं, तो ये चीज़ जाँचने के लिए आप आधार सीडिंग का जो ऑप्शन देख रहे हैं, ठीक है, आपको इस आधार सीडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर भी आपको वही प्रक्रिया दोहरानी है। आपको आधार संख्या वाले पॉइंट पे क्लिक कर देना है, उसके बाद आधार संख्या में आपको आधार नंबर डाल देना है। आधार नंबर मैंने एंटर किया, एंटर करने के बाद अब मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि जैसे ही हमने यहाँ पर सबमिट पे क्लिक किया तो बिना कोई देरी किए हुए डायरेक्ट यहाँ पर नाम लिख करके आ गए, जितने भी नाम हैं वो नीचे आप देखेंगे सबके नाम लिख करके आ गए, ठीक है, और यहाँ पर भी आपको राशन कार्ड नंबर मिल जाएगा, बाकी और भी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों यही जानकारी थी इस वीडियो में, उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो जरूर ही भाई पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है और इस तरीके की जानकारी आपको आगे भी देखनी है सीखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और टेलीग्राम चैनल का नाम है नवीन CSC, इसे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर मैं जो भी नए अपडेट होते हैं CSC के वो सबसे पहले आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा देता हूँ। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक आप लोग मुझे दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।